kinetics is known as chemical kinetics. अब एक छोटी सी बात, फिजिक्स में आपने पढ़ा है रेट क्या होता है. रेट का सीधा सा फंडा है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, यानी कि कितने टाइम इंटरवल में कितना चेंज हुआ. केमिस्ट्री में हम किन बातों के चेंज की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे एक तो रिएक्टेंट होगा और एक प्रोडक्ट होगा. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के प्रेशर में क्या चेंज आया. तो अभी दो टर्म लेकर बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको आर ओ आर से रिप्रेजेंट करें. तो यहां पर पूरा लिखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे आप बोलेंगे आर ओ आर. ऊपर लिखिएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑब्लिक प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट. यानी चाहे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखो चाहे प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑब्लिक प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो समय में चेंज आया, यानी कि चेंज इन टाइम. ये हमें क्या बताएगा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में. अब एक बात बताइएगा, ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी. तो मैं यहां पर दो साइन लिख रहा हूं, प्लस और माइनस, बना लीजिए. ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी. एक छोटी सी बात हमको बताइएगा, जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो हम एक साइड रिएक्टेंट लेते हैं और दूसरी साइड प्रोडक्ट लेते हैं. तो यहां पर हम उन रिएक्शंस के रेट को निकाल रहे हैं जो कैसी हैं, एक डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी कि इरिवर्सिबल रिएक्शन. कैसी हैं बेटा, इरिवर्सिबल रिएक्शन पहली चीज. दूसरी बात, इन रिएक्शंस की अगर बात करेंगे तो ये रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शंस में आती हैं. तीन प्रकार के रिएक्शन होती हैं स्पीड के हिसाब से. पहली है, ये बेसिक फंडा है, नॉर्मल सुनना है. पहला है वेरी फास्ट रिएक्शन, जो मिली सेकेंड्स में हो जाती है. जैसे कि अगर हम बात करें एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराया तो मिली सेकेंड में ही काम खत्म हो जाएगा, ऐसी रिएक्शन का रेट हम नहीं निकालते. दूसरा, ऐसी रिएक्शन जो बहुत धीरे धीरे होती है, जिनमें कई महीने कई साल कई सारे मतलब कई ज्यादा साल लगते हैं. जैसे एक छोटा एग्जाम्पल, जंग का लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो कोई ऐसा दो चार पांच दस मिनट का खेल है नहीं. अब सीधा सा है, इसमें महीनों लगता है. सिरका बनाया जाता है सर, आप देखते होंगे हड़िया में बना के रख के कपड़ा वपड़ा लपेट के धर दिया जाता है, फिर अगले साल निकालते हैं उसको. यानी वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आता है, यानी इनका भी रेट नहीं निकालेंगे. रेट किनका निकालेंगे, जो मॉडरेट रिएक्शंस होंगे, जिनका रेट मॉडरेट होगा, ना बहुत तेज और ना बहुत ज्यादा. तो इसका मतलब यहां पर हम उन्हें डील कर रहे हैं जो मॉडरेट है, जिनका रेट कैसा है, मॉडरेट रेट वाली रिएक्शन. ऐसे ही लिखो, अब एक छोटी सी बात हमको ये बताना, जब भी इस प्रकार की कोई रिएक्शन होती है तो क्या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, हम यहां एक टाइम पर प्रेशर भी बोलने लगेंगे, अभी केवल क्योंकि बोलने में आसानी हो तो हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, क्या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ घटता जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ
या समय के साथ बढ़ता जाएगा। तो क्या मैं यहां पर यह बोल सकता हूं, पॉजिटिव साइन का मतलब क्या लिखिएगा, पॉजिटिव साइन उसके आगे लिखिए पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स लिख दे रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टाइम। जैसे जैसे हम टाइम को आगे बढ़ाते जाएंगे क्या वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो इसलिए हम कौन सा साइन ले रहे हैं, पॉजिटिव। ठीक बात। अगली कहानी नेगेटिव साइन, ये घटने को बता रहा है, इंडिकेट्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टाइम, क्योंकि टाइम को तो कोई घटा नहीं पाएगा, वो तो बढ़ता ही जाना है। यानी पॉजिटिव साइन हम प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे हैं और नेगेटिव साइन हम रिएक्टेंट के लिए यूज कर रहे हैं। अब ये क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि सर एक सिंपल सी कहानी है, मामला समझ में आ रहा है आपको, क्या हो गया बताओ, आया इसे हायता होगा मचा पगला हो गया बिल्कुल, कॉमा नहीं समझ पा रहे हो क्या, है पागल ठीक मांग रहे कि लिख दो पूरा पागलपन, इधर आओ यार। अब ये बताना जरा, क्या हम सबको पता है कि चेंज बराबर, जब भी हमें चेंज निकालना होगा हम हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे बेटा, बोलो क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। अब एक बात बताइएगा, प्रोडक्ट शुरू में क्या था, जीरो, जैसे जैसे टाइम बढ़ा प्रोडक्ट कुछ ना कुछ आता गया, तो फाइनल वैल्यू हमेशा इनिशियल से क्या होगी, ज्यादा, तो चेंज का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन प्रोडक्ट के लिए। रिएक्टेंट शुरुआत में अपने मैक्सिमम पर होगा, यानी मान लो मैंने 100 मोल पर लीटर लिए तो 100 है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट घटता जाएगा, तो इसका मतलब 100 का 90, 100 का 80, 100 का 70 यही होना है, तो क्या फाइनल वैल्यू कम होगी और इनिशियल वैल्यू ज्यादा, तो रिएक्टेंट की तरफ से हमारे पास कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। तो ये प्लस और माइनस समझ में आया कि नहीं आया, कि क्यों प्लस लिख रहे हैं और क्यों माइनस लिख, ठीक बात, इतनी बात क्लियर है सर। अब एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है तो हम एक ग्राफ बना रहे हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, आराम से पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, कोई जल्दी नहीं तुम्हें भगा देंगे, तुम्हें आएगा, हमें मालूम है कितनी स्पीड में कब आएगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब एक बात सिंपल सी है, क्या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम टी बराबर जीरो पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन घटता जाएगा, क्लियर है मामला, यानी कि ये जो डिक्रीजिंग वाला ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्टेंट्स को, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम टी बराबर जीरो पर जीरो होगा, अभी कुछ नहीं बना है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। अब ये कंसंट्रेशन पुरानी वैल्यू से नीचे भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, इसके बारे में बाद में बात करें, अभी सिर्फ इतना दिखा रहे हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन
टाइम के साथ घट रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है। ऐसा एक समय बीच में आता है जिस टाइम पर दोनों के कंसंट्रेशन बराबर हो सकते हैं। क्लियर है मामला? तो वो हमें दिख रहा है कि हाँ यहां पर इस समय बराबर हो जाए। क्लियर है बात? तो अब इतना मामला लिख लीजिए। अब मुझे ये बताइएगा इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? किसी भी ग्राफ का स्लोप जो होता है, क्या हम लोग डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लेते हैं? बोलिए सर। वाई में चेंज और एक्स में चेंज, यही लिया जाता है क्या? ये बताइए, जब हम वाई में चेंज लेंगे तो क्या हम कंसंट्रेशन का चेंज लेंगे? यानी कि मैं यहां पर क्या लिखूंगा? चेंज इन कंसंट्रेशन। प्लस माइनस अभी नहीं जा रहे हम। वैसे ही जब हम एक्स एक्सिस में आएंगे तो हम क्या लिखेंगे? चेंज इन टाइम लिखेंगे सर। अब ये जो चेंज है डेल्टा सी, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए अपना साइन लेगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि ये अपने हिसाब से प्लस या माइनस में से कुछ भी हो सकता है। क्या सर? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, अभी आपने पीछे पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्लोप हमें किसकी जानकारी देता है? रेट ऑफ रिएक्शन के बाद। क्लियर है मामला? बना लीजिए सर। चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, यही आएगा। अब वो चाहे आप रिएक्टेंट के लिए निकालो चाहे प्रोडक्ट के लिए, बस इतना पता है रिएक्टेंट के लिए माइनस आएगा और प्रोडक्ट के लिए प्लस आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए जो चेंज होता है वो पॉजिटिव होगा, जीरो से नंबर बढ़ेगा, रिएक्टेंट के लिए मैक्सिमम वैल्यू से घटेगा, तो हमेशा क्या रहेगा? वो निगेटिव आने वाला। और मैथमेटिक्स के हिसाब से आप ग्राफ के स्लोप देखकर समझ भी सकते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव किसके लिए, ठीक है ना? मान लीजिए हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, कंसीडर आ रिएक्शन, और सिंपल वाली लेते हैं। अभी ए से बी बना रहे हैं कुछ, किसी टाइम टी बराबर जीरो पर ए का कंसंट्रेशन मैंने कंसीडर किया ए मोल पर लीटर, तो बी उस समय क्या होगा? जीरो होगा। किसी टाइम टी पर जाकर मैंने देखा कि ए से कितने मोल पर लीटर टूट चुका है? एक्स मोल पर लीटर। मोल कंसेप्ट आपने बढ़िया से पढ़ा है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशियंट दोनों के कितने हैं? वन वन है। इसका मतलब ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशियंट ये बताता है कि अगर एक मोल पर लीटर ए का यहां पर रिएक्ट करेगा तो बी का एक मोल पर लीटर ही बनेगा। तो बेटा कितना रिएक्ट किया है? एक्स। तो ये कितना बनेगा? एक्स। बना लो। अब हम यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं, और हम वो रेट ऑफ रिएक्शन, सुनिएगा बहुत गौर से और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने इतना मामला उतारने से पहले एक छोटी सी कहानी समझ लीजिए। शुरुआत में ही अपनी बात को कह के फंस गए हैं। क्या फंसे हैं? आपने इतने गौर से कभी देखा भी नहीं होगा कक्षा 12 में ये बात। क्या चेंज इन कंसंट्रेशन चाहे रिएक्टेंट का लो या प्रोडक्ट का लो, बोलो, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम निकाल कर क्या फेंक देगा? रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब जब हम दोनों से निकालें तो दोनों से वैल्यू सेम आनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन का रेट एक ही टाइम पर दो अलग अलग चीजों से निकालने पर अलग अलग नहीं हो सकता। क्लियर है मामला? तो इसके लिए अगर मैं तुमसे कहूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो सुनिएगा जरा, क्या मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन माइनस साइन का मतलब
मुझे पता है कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन का स्लोप नेगेटिव होता है, अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, इसका मतलब नेगेटिव साइन दिखाएंगे यहां पर। उसके बाद चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब मैं यहां लिख देता हूं डेल्टा ए, या तुम पढ़े लिखे आदमी हो समझ जाओगे, टी ए अपॉन टी टी, स्मॉल डी और डेल्टा के बीच का डिफरेंस क्या है। अगर मैंने डेरिवेटिव लिया है तो बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं, अगर मैंने डेल्टा यूज किया है तो मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, यानी कि एक अच्छे खासे इंटरवल की बात कर रहा हूं, केवल इंटरवल का फर्क है लेकिन आंसर तो सेम ही आना चाहिए। अब जरा बताइए माइनस डी ए क्या बता रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और डी टी क्या बता रहा है, चेंज इन टाइम। अब मुझे यह बताइए सर, क्या ए के लिए चेंज अगर आप निकालेंगे तो जरा देखिएगा, क्या आप फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, तो ये माइनस क्यों लगाया जा रहा है ये अभी समझ में आ जाएगा। क्या यहां से a माइनस एक्स और माइनस a डिवाइडेड बाय टाइम में लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल यानी t माइनस जीरो। अब यहां से आया माइनस, माइनस और माइनस मिलकर बना लेंगे प्लस, तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन क्या आया, x अपॉन t आया सर। अच्छा एक बात बताओ, कोई रिएक्शन जो हम लोगों ने पीछे लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम इंडिकेट कर रहे हैं साइन के साथ, इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी चीज की स्पीड जो होगी वो कुछ होगी, माइनस का तो मतलब होगा कि उल्टी डायरेक्शन में, तो ये कोई गाड़ी तो है नहीं। सेम चीज को प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिख कर देखो, यानी बी के रिस्पेक्ट में, बस याद रखना जब मैं लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू बी तो वो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट में आपने बोला है साइन पॉजिटिव रखते हैं तो प्लस रखा, और यहां लिखा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डी टी, तो इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल हर बार करना है। क्या बाहर पॉजिटिव साइन, फाइनल कंसंट्रेशन एक्स था, इनिशियल प्रोडक्ट का जीरो ही होता है हमेशा, टाइम टी इनिशियल जीरो ही होता है, तो क्या यहां से भी निकल कर आया रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। बोलिए सर, तो दोनों से निकलने वाला रेट क्या है, सेम है और सेम होना ही चाहिए, सीधी सी बात है। अब ये फॉर्मूला बात समझिएगा, जब बहुत बढ़िया सवाल आएगा तो उस टाइम पर ये याद दिलाता है टीचर कि हमने रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से निकाला था। एक तरीका तो ये होता है कि मैं आपको ये बोल दूं कि मैंने इसके इतने मोल लिए, टाइम टी बराबर जीरो पे ये जीरो था, इतना ये टूट गया, तो तुमने इससे करके पूरा मैथमेटिक्स लगा के निकाला। अगर मैं तुमसे ये बोलूं, सुनते जाना, कि कोई रिएक्टेंट ए है जिसका कंसंट्रेशन मैंने 10 मोल पर लीटर लिया और 10 मिनट के बाद उसका कंसंट्रेशन 6 मोल पर लीटर हो गया, तो आप मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो आप सीधे बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल एक्स क्या बताता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो तुम कहोगे चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो क्या 10 से 6 हुआ है, यानी कंसंट्रेशन में चेंज 4 मोल पर लीटर और टाइम में चेंज 10 का, अरे 0 से 10 ही है, तो इसका मतलब लिखोगे क्या 4/10, यानी 0.4 मोल पर लीटर टाइम इनवर्स या सेकंड इनवर्स मिनट इनवर्स जो भी दिया होगा वो हमें रेट के बारे में बता देगा या नहीं बता देगा, तो चेंज से आप डायरेक्ट निकाल सकते। नीचे लिखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड एज, वही डेफिनेशन घूम फिर के बार बार तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड एज चेंज इन कंसंट्रेशन
ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम ठीक बात। तो डायरेक्ट हम चेंज लिख सकते हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, यानी डायरेक्ट डिवाइड करिए और काम खत्म कर लीजिए। अच्छा एक बात ये बताइए, कभी भी किसी रिएक्शन का रेट निकालना हो तो किस तरफ से निकालना आसान पड़ेगा? इसका केमिस्ट्री से कोई संबंध नहीं है, है? अच्छा ये बताओ, जब हमें चेंज लिखना है यहां पे, तो ये बात तो तय है कि जब रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे तो वो साइन और प्रोडक्ट के लिए साइन, यही सब कहानी है। अगर चेंज लिखना है तो चेंज का मतलब डिफरेंस होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन का साइन पॉजिटिव ही रखना है। तो अगर किसी ने कहा कि प्रोडक्ट जो है 10 मिनट बाद 4 मोल पर लीटर बना, तो प्रोडक्ट में इनिशियल वैल्यू हमेशा जीरो होती है, टाइम की इनिशियल वैल्यू हमेशा जीरो होती है। तो प्रोडक्ट साइड से अगर निकाला जाए रेट, तो साइन कन्वेंशन देखने की जरूरत नहीं है। जैसे उसने कहा कि एक रिएक्टेंट ए था जो बी में कन्वर्ट हो रहा है, एक रिएक्शन बनी ए से बी, बात समझिएगा, और उसने कहा टाइम टी बराबर कर ही लेते हैं ना, ये सवाल आते हैं सर। उसने कहा टाइम टी बराबर जीरो पर हमने इसके 50 मोल लिए और पर लीटर, टाइम टी बराबर 10 मिनट पे देखा, देखते चलना, तो बोले टाइम टी बराबर 10 मिनट पर देखा तो ये 40 मोल पर लीटर हो गया, और जो बी है वो 10 मोल पर लीटर हो गया। तो सर ये तो हमको पता है ना कि बी शुरू में जीरो रहता है, तो अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन किस साइड से निकालूंगा? प्रोडक्ट साइड से, क्योंकि अगर मेरे को मालूम है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अगर प्रोडक्ट साइड से बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और अब हम साइन कन्वेंशन भी कुछ लेने वाले नहीं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी निगेटिव नहीं होता। तो इसका सीधा सा फंडा है, हम बोलेंगे प्रोडक्ट में कितने का चेंज आया 10 का, टाइम में कितने का चेंज आया 10 का, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा 1। यूनिट यूनिट खेलोगे अगर, तो क्या तुमने ऊपर कंसंट्रेशन रखा हुआ है तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। टाइम की अगर बात करें तो टाइम तुमने मिनट में रखा है, तो मिनट ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? मिनट इनवर्स। क्लियर है मामला? तो यहां पर थोड़ी घटाने वाला सिस्टम है, वो करने की कोई जरूरत नहीं है अगर हमें अपने को क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट साइड। क्लियर है मामला? बना लीजिए, ये गिवेन है, ऐसे लिखना कि ये गिवेन है। पहला सवाल यहीं से स्टार्ट हो जाएगा आपका, बाकी हमको जब भी लिखना होगा तो साइन कन्वेंशन के साथ लिखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मन साइन कन्वेंशन नहीं लेने का है तो आप याद रखिएगा, आप केवल डिफरेंस लिख लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? बात एक ही है, कहीं कोई समस्या नहीं, वो केवल अपनी बात को सही प्रूफ करने के लिए साइन लेकर चल रहे हैं। अच्छा एक बात और है, प्लस और माइनस साइन का मतलब ये नहीं है कि हमें आंसर निकालना है। प्लस का मतलब होता है बढ़ना, माइनस का मतलब होता है घटना। हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन से पहले माइनस लगा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा है। प्लस हम प्रोडक्ट के चेंज इन कंसंट्रेशन से पहले लगा रहे हैं, इसका मीनिंग है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो उस प्लस और साइन नेगेटिव साइन का जो बेसिक मतलब है, वो जो शुरुआत में लिखा है मैंने क्या, कि पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टाइम, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टाइम। बेसिक मतलब वही है सर, वो तो हम लोग जबरदस्ती उसको मैथमेटिक्स में लेके घूम रहे। अब सर दो तरीके का रेट ऑफ रिएक्शन है, एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा इंस्टेंटेनियस
रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझना, गाड़ी चलाए हो, गाड़ी में बैठे हो, चलाए होगे या बैठे होगे तो पता ही होगा, ठीक बात। गाड़ी में जो मीटर लगा होता है वो मीटर वेलोसिटी नहीं, स्पीडोमीटर है। पहली चीज तो ये क्लियर बात, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को, ठीक बात। अब उसमें जो स्पीड अपने को नजर आ रही है, एक बात समझिएगा, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि मैं गाड़ी में बैठा हूं, मैं यहां से लखनऊ जा रहा हूं और जाते जाते मैं आराम से यहां से निकला, मुझे पता है मुझे यहां से 100 किलोमीटर जाना है और मुझे टाइम लगा 2 घंटे, तो मैं ये कहूंगा कि यार मैं वहां से यहां जब आया हूं तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया हूंगा। बोलो सर, जिसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं कि ये एवरेज स्पीड है हमारी, क्लियर बात। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, मैं गाड़ी में बैठा हूं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और वो कांटा 60 किलोमीटर है और उसने यहां देखा कि गंगा बैराज पहुंचे और उसने दबाया एक्सीलरेटर और 90, तो मैं उसको बोल रहा हूं कि बे धीमे करो, ये इंस्टेंट है, हल्का सा ब्रेक मारेगा 90 से 70, 70 से 60, 60 से 50, यानी इंस्टेंटेनियसली जो डिफरेंस दिख रहा है बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में, वो भी हमें स्पीड के बारे में ही बता रहा है एवरेज स्पीड। यानी एवरेज का मतलब है एक बड़े टाइम इंटरवल के बीच में देखना और इंस्टेंटेनियस का मतलब है शॉर्ट टाइम इंटरवल। बाकी दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, क्योंकि हम चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम ही देख रहे हैं, वैसे ही यहां पर चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम देख रहे हैं। क्लियर है मामला। तो केवल रिप्रेजेंटेशन क्या है, जब मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो मैं यहां लिखूंगा आर ओ आर, जिसे मैं एवरेज बोल रहा हूं, तो जब मैं इसे लिखता हूं तो मैं डेल्टा साइन को यूज करता हूं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। बना लीजिए सर, साइन कन्वेंशन वही काम करेगा, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव और रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव। यहां लिख लीजिएगा कि एवरेज में लॉन्ग टाइम इंटरवल, और सेम चीज जब मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो मैं प्लस माइनस ही लिखूंगा। अब मैं डेरिवेटिव का यूज करूंगा तो डिफरेंशियल डीसी अपॉन डीटी लिखा जाएगा। यहां ब्रैकेट ये बताता है कि हम अभी भी चेंज को देख रहे हैं लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में ये बात कर रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में ये बात कर रहे हैं। बाकी आप सबको पता है मैथमेटिक्स में जब आप ये एवरेज या फिजिक्स में एवरेज या इंस्टेंटेनियस देखते हैं तो ये वाला ग्राफ कंसंट्रेशन, कोई एक तो लेना पड़ेगा, तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है और आपको ये पता है कि ये डिक्रीज कर रहा है, यानी ये किसका ग्राफ है, रिएक्टेंट का। तो अगर अपने को एवरेज देखना है तो जाहिर सी बात है एक टाइम हमने ये पकड़ा और एक टाइम ये पकड़ा, इस टाइम पर करस्पॉन्डिंग इनके कंसंट्रेशन पकड़े, तो क्या हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये जो डिफरेंस है ये डेल्टा सी है और ये जो टाइम का चेंज हमें दिख रहा है ये डेल्टा टी है। तो अगर हम इस अच्छे खासे या बड़े टाइम इंटरवल में देख रहे हैं तो यहां से हम जो निकालेंगे वो क्या निकल कर आने वाला है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है मामला। बाकी फिजिक्स वो केमिस्ट्री वो मैथमेटिक्स में बोलते हैं एक पॉइंट ये है तो दूसरा जस्ट इसके बगल में होगा, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में देखोगे तो हम किसकी बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस की। कर तुम दोनों में यही रहे हो सर, ठीक है ना। बाकी डिफरेंशियल का मतलब आपको पता है सर, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कोई भी एरिया अंडर द कर्व वाला जो मामला है उसमें आपको बताया जाता है कि जब भी हम किसी कर्व का एरिया निकालते हैं, मान लीजिए ये है सर, तो इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो इसका सीधा सा मतलब है हम मान लेते हैं कि ये छोटी छोटी पट्टियों में कटा हुआ है। बोलिए सर,
इस तरीके से अगर हम इसे काटते जा रहे हैं तो यानी हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और जब हम इस पूरे को एक्यूमुलेट करके जोड़ते हैं तो उस समय हम इसे क्या कर रहे होते हैं, इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। क्लियर है मामला? तो वही सेम कहानी यहां पर है सर। अगली कहानी, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। एडिंग डालिए, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि जल्दी से हमको सवालों में आ जाना है सर। अब ये सब कहानी बेसिक बेसिक है, ये सब आपको पता है, इसमें कोई ज्यादा कहानी है नहीं, ये सब ना बनाने लगना। अच्छी मछली बना लिए हो देखो। चलो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बेटा बातें नहीं यार, बातें नहीं, अभी कठिन हो जाएगा, फिर बातें मत कर। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, एक बात बता, वो सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक बात बताओ, अभी हम लोगों ने जब डेफिनेशन अपनी लिखी है तो क्या वो डेफिनेशन में ये लिखा है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑब्लिक चेंज इन प्रेशर, यानी कि हम प्रेशर के टर्म में भी देख सकते हैं और कंसंट्रेशन के टर्म में भी। तो मैं जब ये यूनिट निकालूंगा तो मैं इसे दो पार्ट में पहले से ही डिवाइड कर लूंगा, और पहला टर्म में लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। क्या कंसंट्रेशन के टर्म में हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। बोलिए सर। अब बड़ा सिंपल है, अभी पीछे किए हो, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। टाइम के विषय में हमको पता नहीं है तो हम केवल टाइम ही लिख दें, जिसमें देगा सेकंड में मिनट में उसी में यूज कर लेंगे। तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट कंसंट्रेशन के टर्म में क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। इधर आइएगा, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर अगर बात करें, क्योंकि जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो गैसियस भी हो सकते हैं, तो मैं यहां लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर। बात तो एक ही है, तो कंसंट्रेशन की जगह क्या लिख दूंगा, प्रेशर, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट आएगा प्रेशर के टर्म में, अब हम मान रहे हैं कि हम प्रेशर को एटीएम में ले रहे हैं, तो एटीएम डिवाइडेड बाय टाइम, यानी यूनिट होगा एटीएम डॉट टाइम इनवर्स। अब जिसको आप एटीएम सेकंड इनवर्स, एटीएम मिनट इनवर्स कह सकते हैं, यहां आप मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स या आर इनवर्स या डे इनवर्स कुछ भी बोल सकते हैं, जो टाइम दिया होगा उसी के रिस्पेक्ट में काम चले। चलें सर, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, यानी कि डिफरेंशियल का मतलब समझ ही रहे होंगे, स्मॉल डी के टर्म में लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे। तो लिखिएगा डिफरेंशियल फॉर्म, हटाएं इसको, उतार लो, छाप लो पहले, नहीं कहोगे जल्दी में फिर आगे निकल गया। अभी तक इसमें कुछ नहीं पढ़ाया, अभी तक माहौल बनाया है, अब इसके बाद यूज है सारा।
यहां से आपका दिमाग लगेगा, बुद्धि चल रही है कि नहीं चल रही है, सब पता चलेगा। अच्छा एक बात सुनना, बहुत सिंपल कहानी है सर। मैंने बहुत धीरे से आपको बेवकूफ बना दिया, मैंने ए से बी लिया, बात समझना। दुनिया की सारी रिएक्शन ए से बी होती है क्या? नहीं, 2A से B हो सकता है, 3/2 से 4/3 भी हो सकता है, और अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज हुआ तो X के साथ जो टर्म जा रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। और ये सब राम कहानी करने के बाद अंत में तुम बाहर खड़े होकर सिर्फ एक बात बोल रहे होगे, सुनो गुरु कुछ भी करो, रेट ऑफ रिएक्शन चाहे रिएक्टेंट के चेंज से निकालो, चाहे प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के चेंज से निकालो, वैल्यू सेम आनी चाहिए। बोलिए सर, इसका मतलब हमें एक ऐसा तरीका लिखना पड़ेगा जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट जिनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर डिफर भी कर जाएं तो भी सबसे आने वाला रेट ऑफ रिएक्शन उस समय सेम आना चाहिए। ठीक बात, तो इसे लिखने की पहली फॉर्म है जिसका नाम है क्या? डिफरेंशियल फॉर्म। क्लियर है बात? तो हेडिंग डालिएगा डिफरेंशियल जनरल फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, यानी हर जगह काम करेगा। जनरल केमिकल इक्वेशन मानते हैं जो हम लोगों ने हमेशा मानी है, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ठीक बात सर? यहां पर स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी कॉमा स्मॉल डी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशियंट है। बोलो बेटा, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशियंट है। कैपिटल ए और कैपिटल बी रिएक्टेंट्स हैं, कैपिटल सी और कैपिटल डी प्रोडक्ट्स हैं। ये ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, इससे ये साइड में बना लो। अब तुम जो पढ़ रहे हो, तुम क्या कह रहे हो सुनो, ए के रिस्पेक्ट में चेंज इन कंसंट्रेशन ले लो, बी के रिस्पेक्ट में चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम ले लो, सी यानी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले सकते हो, डी के रिस्पेक्ट में भी चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले सकते हो, लेकिन चारों से जब रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाएगा तो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो इसका मतलब ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोई गड़बड़ ना करें, इसके लिए लिखने का तरीका है। वो तरीका क्या है सर? कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, मतलब इन चारों के बराबर लिख रहे हैं तो चारों से ही वैल्यू सेम आएगा। इसका मीनिंग ये है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटता है तो वहां हम नेगेटिव साइन का प्रयोग करेंगे, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ता है वहां हम पॉजिटिव साइन का प्रयोग करेंगे। तो जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? -1/A dA/dt इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे -1/B dB/dt, यानी ये मैंने रिएक्टेंट की तरफ से लिखा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मैं डिवाइड कर दे रहा हूं। जब मैं प्रोडक्ट की तरफ से लिखूंगा तो बस साइन चेंज हो जाएगा, मैं लिखूंगा +1/C dC/dt इज इक्वल टू +1/d dD/dt। अब सुनना कहानी, यहां पर इस इक्वेशन का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन छापने से पहले देख लो, क्योंकि ये छोटी सी बात है लेकिन इतनी ही बात में कहानी हो जाती है। ये इक्वेशन हमें ये सिखा रही है कि अगर आप
रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में रेट निकालते हैं तो ये निकलेगा, अगर आप बी के रिस्पेक्ट में रेट निकालते हैं तो ये निकलेगा, अगर आप सी के रिस्पेक्ट में यानी प्रोडक्ट सी के रिस्पेक्ट में रेट निकालते हैं तो ये निकलेगा, और अगर आप डी के रिस्पेक्ट में रेट निकालते हैं तो वो ये निकलेगा, और ये चारों गोले आपस में हर समय क्या होंगे बराबर। अगर आप क्या कर दें स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को किस में ले लें, रिवर्स फॉर्म में ले लें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बना लीजिए, और इन चारों में से किसी से भी निकाला जा सकता है। ठीक बात, बनाइए सर। ये बड़ी बेहतरीन बात है क्योंकि इसी में तो मेन कहानी फंसनी है, ये सब बराबर है। अच्छा, ये चारों गोले किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को, जरूर लिख लेना, ये किसी किताब में नहीं लिखी है ये बात। क्यों नहीं लिखी, अभी क्लियर होगा, जो तुम पढ़ के आए हो वहां पे आ रहा हूं मैं, वो डिफरेंस देखना बड़ा जरूरी है। ये चारों गोले क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को। अब सर इनके अंदर जो ए बी सी डी लिखा है उसको देखते हैं सर क्या है, माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये बताता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट ए के गायब होने की दर को बता रहा है, माइनस डी ए अपॉन डी टी, नेगेटिव साइन का मतलब ही है गायब हो रहा होगा, रिएक्टेंट है, माइनस डी बी अपॉन डी टी रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी ठीक सर, इधर आइए, प्लस डीसी अपॉन डीटी, ये बता रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस बोलो या ऑब्लिक करके फॉर्मेशन बोलो, यही दो टर्म लिखकर आएंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट नहीं बोला जाता है, ये मैं आपकी सुविधा के लिए बोल रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव साइन ये बता रहा है कि प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा, उसका रेट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा होगा, प्लस डी डी अपॉन डी टी, सेम कहानी बताएगा रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डी। उतार लो आराम से, पेपर में सवाल कहां फंसता है, लड़ाई उसी पर है सर। और यहां पे मैं तुम्हें बता दूं ये चैप्टर सरल है, ये चैप्टर बहुत कठिन है, इसका सवाल जेई मेंस में भी आएगा, इसका सवाल जेई एडवांस में भी हर साल आता है, तो इस चैप्टर के औकात आप समझ रहे होंगे, उन्हीं चैप्टर से सवाल हर बार पूछा जाता है दोनों जगह पर, कि जिन पे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सके, जहां पे आपको फंसाया जा सके। आपने पहला तरीका अगर आपको पढ़ना है तो आप ये कहेंगे कि सर आपने हमको पहला तरीका बताया है जब कोई केमिकल रिएक्शन दी हो तो उस रिएक्शन का रेट कैसे लिखा जाता है, उस रिएक्शन का रेट लिखने का डिफरेंशियल फॉर्म हमने लिखा है जिसमें हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अपीयरेंस सॉरी डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस, क्योंकि पहला टर्म रिएक्टेंट के लिए बोल रहे हैं तो क्या बोले, डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस के रेट के आधार पर लिखा हुआ है। एक बात बताइएगा, ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें
रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन बन जाए। ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ही रेट ऑफ रिएक्शन दिखाने लगे? जब स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशियंट वन होगा। बोलो अंकल, जब स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशियंट वन होगा तो ये दोनों गोले बराबर हो जाएंगे इसी के, और वन होगा तो ये गायब हो जाएगा। अब ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जब रेट ऑफ अपीयरेंस ही रेट ऑफ रिएक्शन दिखाने लगे, मतलब कि जो रेट ऑफ अपीयरेंस है वो डीसी अपॉन डीटी है और रेट ऑफ रिएक्शन है प्लस वन अपॉन सी डीसी अपॉन डीटी, तो वो सिचुएशन कब आएगी? जब स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशियंट वन हो जाए। क्या जब किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशियंट वन हो जाता है तो उस समय उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस ही रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है? बोलिए सर। तो मैं इसको किस तरीके लिखा रहा हूं उसको समझिएगा। यहां तक क्लियर है मामला? लिखिए कॉपी में। अब तुम थक रहे होगे, हम जान रहे हैं। जब मैदान लड़ाई का होता है तभी खेल हो जाता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम थक गए हैं बहुत ज्यादा। तुमसे ज्यादा हम थके हैं, तू बस पढ़ा रहे हैं बराबर। अभी और इसके बाद अगला बैच है, उसके बाद फिर एक बैच है, आज तीन बैच लगातार है। इसके बाद फाउंडेशन है, उसके बाद मेडिकल है। तो तुम अगर लगातार पढ़ रहे हो तो मैं समझ रहा हूं कि मुझे माल मिल रहा है, इसलिए मेरा मन कर रहा है, बात समझिएगा। लेकिन इसमें भी बड़ी ईमानदारी चाहिए, क्योंकि माल तो पहले ही मिल गया है, उसके बाद भी मन लगा रहे। अभी तुम्हें आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए, तुमसे कहे पढ़ो तो तुम कहोगे हाँ पढ़ाई करेंगे, हम बहुत पढ़ लिया अब हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये डेडिकेशन भी होना चाहिए। लिखिएगा, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ऐसे ही लिखो हिंदी में, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशियंट वन है, अब ये किसी का भी हो सकता है, का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशियंट वन है वन है तो उन रिएक्टेंट्स ऑब्लिक प्रोडक्ट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इधर देखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को शॉर्ट फॉर्म में आर ओ डी लिख लो। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑब्लिक प्रोडक्ट के लिए आर ओ एफ लिख लो, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑब्लिक रेट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा, हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। अदरवाइज बाकी सारी कंडीशन में, अदरवाइज बाकी सारी कंडीशन में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यानी आर ओ डी ऑब्लिक रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी आर ओ एफ कभी भी आर ओ आर के बराबर नहीं होगा, कभी भी आर ओ आर के बराबर नहीं होगा। अगर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वन नहीं है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस कभी भी आर ओ आर के बराबर नहीं होगा, बात खत्म। आइए एक सवाल करते हैं, यहां तक मामला समझ में आ रहा है? जहां पर भी आपने, इधर देखो, जहां लिखा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए, वहां लिखो आर ओ डी ऑफ ए शॉर्ट फॉर्म में। जहां पे, जहां भी आपने लिखा है रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन ऑफ सी, एक जगह लिख लो आर ओ एफ, किसका? सी का, यानी पूरा लिख लो आर ओ एफ ऑफ सी।
अच्छा बोलने के टर्म अलग अलग है, तो मैं क्या बोलूंगा, रिएक्टेंट के लिए मैं डिसअपियरेंस बोलूंगा और प्रोडक्ट के लिए मैं अपियरेंस या फॉर्मेशन में फॉर्मेशन यूज करूंगा। क्लियर है मामला? ठीक सर। मान लीजिए अब इतना आपने पढ़ा, ये तो बिल्कुल बेसिक फंडा है, अब सबको पता है कि आराम से हम कर सकते हैं। अब कहानी समझिएगा, उतारते मत रहिए, नहीं आप छापते रहेंगे साला, कोई फायदा नहीं है। 3a प्लस 2y3b गिव्स 4c प्लस 5d। बनाइए रिएक्शन। दो पार्ट में हमने रिएक्शन बांट दी है, ठीक बात। पहला सर, हमें इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखकर दिखाइए डिफरेंशियल फॉर्म में। रेट ऑफ रिएक्शन की मैं यहां पर बकायदा फॉर्म वहां बोली जाएगी। कौन सी फॉर्म बताएंगे आप, डिफरेंशियल फॉर्म या डिफरेंशियल इक्वेशन? रिएक्टेंट के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे, प्रोडक्ट के लिए प्लस का प्रयोग करेंगे, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को रिवर्स कर देंगे, यानी कि बटे में लेकर आएंगे। तो क्या गुरु, हम लोग यहां पर जब लिखेंगे, इधर देखो, तो क्या लिखेंगे, -1/3 डी ए अपॉन डी टी। बोलो भैया, ये ए के रिस्पेक्ट में निकाला, बी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे -1/2/3 डी बी अपॉन डी टी, जो आगे चल के 3/2 होने वाला है, इज इक्वल टू सी के टर्म में प्लस साइन, क्योंकि प्रोडक्ट है, 1/4 डी सी अपॉन डी टी, और डी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे +1/5 डी डी अपॉन डी टी। तो अगर हम इसको थोड़ा और सही से करके लिखें, तो ये -1/3 डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू -3/2 डी बी अपॉन डी टी, बोलो भैया, इज इक्वल टू +1/4 डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू +1/5 डी टी अपॉन डी टी। ये हम लोगों ने इतनी मामला लिख लिया। क्लियर है मामला? ठीक सर। अब जो हमने पीछे लिखा, यहां तक तो सबने लिख के बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने पीछे लिखा है सर, हमने माइनस साइन के साथ लिखा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस और प्लस साइन के साथ लिखा है रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि इस रिएक्शन का रेट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स रेट ऑफ, अब मैं फॉर्मेशन लिखूंगा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डी। ये लिखा जा सकता है सर? एक मिनट, कहां हाफ हो जाएगा? हाँ हाँ, डी हो जाएगा, ठीक है, चलो आरओडी हो जाएगा या आरओएफ हो जाएगा। अब क्या ये इस तरीके से लिखा हुआ है सर? ठीक है, हम समझ रहे हैं, जो तुम बताओगे दो कौड़ी चीज ही बता रहे होगे, कोई कंसेप्ट नहीं तुम हमें बता दोगे। अब हमको एक बात सिंपल सिखानी, सुनते जाना, क्या ये जो बाहर लिखा है ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे? बोलो यार। अब एक छोटी सी बात ये बता दो, अगर ये नंबर ना होते, बात को समझना जैसे हम बताना चाह रहे हैं, अगर ये नंबर ना होते तो क्या सबके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1:1 होते
और तब हम क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी के बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी के बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी के बराबर है। लेकिन अगर ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो क्या ये कोफिशिएंट हमको ये बता रहे हैं कि अगर हम इतनी बात करें, ये देखो इतनी बात करें, तो ए के रिस्पेक्ट में क्या बोल सकते हैं बताइए। चलिए मैं कुछ लिखता हूं, आप बताइएगा वो सही है या नहीं। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज 3 times रेट ऑफ रिएक्शन। बोलिए सर, अब यहां से सवाल शुरू है, यही सर कहानी है सर। अगली कहानी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज 2/3 times ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, या उल्टा बोल दें रेट ऑफ रिएक्शन इज 3/2 times ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, यही तो होगा। अब जरा मुझे डी के टर्म में बताओ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इज 5 times ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सुनते जाना, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, बोल क्या रहे हो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इज 5 times रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन का रेट है उससे 5 गुना तेज रेट है किसका, डी के बनने का। बोलो यार, यहां रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, सी के बनने का रेट रिएक्शन के रेट का 4 गुना तेज चल रहा है, यानी रिएक्शन अगर 10 की स्पीड से चल रही है तो ये 40 की स्पीड से बन रहा है, रिएक्शन अगर 10 की स्पीड से चल रही है तो डी 50 की स्पीड से बन रहा है। तो इसका मतलब ये स्पीड सबकी अलग अलग चल रही है, तो हमें अगर उसको कांस्टेंट लेकर चलना है तो हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए हम लोग यहां से ये चीज निकालते हैं। क्लियर है मामला? इतना मामला बना लीजिए, फिर हम आपको कुछ सवाल देते हैं, आप जरा हमें बताइए कहानी क्या है। अब ये सवाल गलत भी होंगे, और अपना तरीका है गलत जो होगा वो पहले ही बता देंगे, बाकी तो आप कलाकार हैं, आप उसके बाद भी गलत कर दीजिएगा जैसा हर बार आप करते हैं। देखिए सर, नोट करके लिखिएगा, आर ओ डी ऑब्लिक आर ओ एफ, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन, आपको हमेशा मोल, बल्कि ये भी क्यों मैं करूं, बाकी यूनिट तो आप देख ही लेंगे, हमेशा मोल के टर्म में लिखो। किसमें लिखोगे? तो ये आपको क्या बता रहा है, हमेशा किस टर्म में लिखा जाएगा, मोल के टर्म में। और अगर मोल के टर्म में लिखोगे तभी, पूरा लिखना, तभी डिफरेंशियल इक्वेशन में कंपेयर कर सकते हो। 4 number लिखे हैं सर, अगर कोई हमसे कहे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इतने से 4 number आपके हाथ में आ जाएंगे। इसका कहने का क्या मतलब है, अगर मुझे किसी का भी रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मोल में दिया है तो मैं उसे डायरेक्ट उठा के यहां रख दूंगा और कंपेयर कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे बाय वेट दिया है, जैसे मुझसे कहा गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी 5 mole फलाना यूनिट लगा के दे दिया कि इतना सेकेंड और ये बन रहा है, तो मैं उसको उठा के 5 सीधे रख दूंगा। लेकिन अगर लिखा हुआ है क्या 5 kilo, तो मैं यहां कंपेयर नहीं करूंगा, वो दे सकता है, मुझे उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल में। उसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, ये क्यों करना पड़ रहा है? ये क्यों करना पड़ रहा है, मेरी बात क्यों मानोगे, मत मानो। ये किसने कहा? हमने कुछ नहीं कहा, फिजिक्स में कहां कहा गया, फिजिक्स में कोई कुछ नहीं कहता है, पता तो क्या कहा है, बताओ, कंपेयर कर सकते हैं, ये फिजिक्स में कहा गया है, इनको घूंसा मारो, मिल के 4-5 मारना,
गजब पागलपन है यार, हमारे सामने तो खेल तमाशा मत ही करो कि किसी दूसरे नए मास्टर को फंसाओ जाके। हाँ तुम लोग होता नहीं किसी किसी सर वो ये सब हमें मत बताओ, ये सब कहानी है गुरु। हाँ हमको सब खेल मालूम है, और वो ये सब हमने बताया था, अभी आ ही रहा है पेपर में आ रहा है। जब ऐसे करोगे ऐसे तो पन्ने में जा करोगे वहां फट जाता है, वहां तुरंत खेल खत्म। इधर देखो पहली चीज ये बताओ, इधर देखो मजाक अपनी जगह है, बात को गौर से सुनना जो बात समझाई जा रही है। ऊपर जो लिखा है वो क्या है, ऊपर जो लिखा है वो क्या है, तुम्हारी तुम्हें हमारी जरूरत नहीं, इतना तगड़ा मैंने पढ़ाया। क्या ऊपर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में हम किन किन चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, याद करिए, बाय मोल कंपेयर कर सकते हैं, बाय वॉल्यूम कंपेयर कर सकते हैं, बाय मॉलिक्यूल कंपेयर कर सकते हैं, बाय प्रेशर कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी बाय वेट कंपेरिजन नहीं होगा। तो जब सर ये कंपेरिजन ही तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहा है, तो जब आप ये कंपैरिजन करने जाओगे तो आपको वेट का टर्म किसी भी कीमत पर लेना नहीं है, आपको उसको हमेशा किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में। बस यही बात हो रही है। तो आपको हमें ये समझाना है कि ये आपने बताया है वहां पे, कह रहे फिजिक्स में बताया गया है, बाय फिजिक्स हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, बाय केमिस्ट्री तो करके गलत कर ही सकते हैं। वाह उतार लीजिए इतना, अजब हो भैया। तो अब ये बताओ अगर आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन दी है तो आप उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लोगे, रेट ऑफ रिएक्शन की कौन सी फॉर्म लिख रहे हो, डिफरेंशियल फॉर्म। इस डिफरेंशियल फॉर्म में तुम क्या यूज कर रहे हो, रिएक्टेंट के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, प्रोडक्ट के रेट ऑफ फॉर्मेशन, बोलो सर। और इनके टर्म में जब आप लिखते हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को क्या रिवर्स कर लेते हैं, रिएक्टेंट के लिए साइन निगेटिव लगाते हैं क्योंकि रिएक्टेंट का रेट टाइम के साथ घट रहा होगा, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन लगाते हैं। इतनी कहानी समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन लिखिए, आपके सामने इक्वेशन है 2a प्लस 3b गिव्स 4c प्लस d। आपको दिया है इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज 0.006 मोल पर लीटर, और लीटर के साथ इस डैश का मतलब होता है कि आपने दूसरी यूनिट साथ में लिख रखी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, डॉट का मतलब होता है पूरी यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। आप तो जानकारी होंगे, फिजिक्स में बताया गया होगा। देन फाइंड आउट, खून जलाओगे तो फिर नहीं छोड़ूंगा सर, मैं तो कहीं भी पकड़ लूंगा और पहले चैप्टर में कान पकड़ लूंगा यूनिट एंड डायमेंशन में, बाकी की तो बात ही छोड़ दो। सर ये दिया हुआ है सर, अब हम इसी से कंपेयर करा ले रहे हैं। आप हमको बताइएगा पहला रेट ऑफ रिएक्शन निकाल कर दिखा दीजिए, दूसरा टर्म बी पार्ट आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तीसरा पार्ट आपको निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। जल्दी से निकाल दो, सरल है, बस इसमें याद रखना, करना सही गलत मत करना, और तरीका मैं बताऊं। इधर देखो पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अरे बोलो चाचा पूरा लिखकर कोई फायदा नहीं है, ये तो हम तुम्हें करा रहे हैं, पेपर में तो कोई एक ही चीज पूछेगा। अब मुझे ये बताओ तुम्हें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। सवाल उतार लो पहले, छाप लो, शांति मिले तुमको, सवाल छाप लो पहले। अब सुनो आप क्या कर रहे होंगे, मैं बता दे रहा हूं, आप लिख रहे हैं आर बराबर -1/2 डीए अपॉन डीटी इज इक्वल टू -1/3 डीबी अपॉन डीटी इज इक्वल टू
प्लस वन बाई फोर डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी डी अपॉन डी टी, यही तो मतलब है सर। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको इतनी राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, जब पूछे तो लिखना, जब ना पूछे तो डायरेक्ट काम करना। इधर सुनो क्या पूछ रहा है और क्या दिया है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी दिया हुआ है। क्या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, किसी का भी डिसअपियरेंस या फॉर्मेशन दिया हो, पहली चेकिंग आपको करनी है मोल के टर्म में दिया है या नहीं। तो सर क्या मोल में दिया हुआ है, यानी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ डिसअपियरेंस यानी बी के टर्म में लिखेंगे। तो क्या मैं सिर्फ ये लिख सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इधर देखो, क्या बी के टर्म में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 1 बाई 3 माइनस डी बी अपॉन डी टी। अरे बोलो भैया, यही तो लिखोगे। अब माइनस डी बी अपॉन डी टी किसको रिप्रेजेंट करता था, इतना पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी को ही तो करता है। उठा के रख दो, कहानी करो खत्म। 0.006 है, यानी आंसर आएगा 0.002 मोल। अब मैं पूरा लिख रहा हूं, लीटर इनवर्स सेकंड में ही है ना, सेकंड इनवर्स। क्लियर है मामला? चलो भैया अगले में आओ। ठीक है, अब सर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, सबका सहारा रेट ऑफ रिएक्शन है सर। तो जब ये निकल आया तो हम ए को रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस 1/2 डी ए अपॉन डी टी, यही तो लिखते थे। प्लस डी ए अपॉन डी टी को क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। रेट ऑफ रिएक्शन 0.002 है, तो साफ पता चल रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कितना आएगा, 0.004 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगले में आते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, फिर से रेट ऑफ रिएक्शन के साथ ही लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सी, यानी कि प्रोडक्ट है तो साइन हो गया पॉजिटिव। अच्छा सॉरी, यहां पे साइन निगेटिव है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई। रेट ऑफ रिएक्शन सी के टर्म में पॉजिटिव, तो प्लस 1/4 इंटू डी सी अपॉन डी टी। प्लस डी सी अपॉन डी टी को अपन लोग क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, और बाहर आएगा 1/4। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है 0.002, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज इक्वल टू 0.008 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक बात, इतना कर लो, पहले इतना तो कर लो। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये हम लोग ये तो सब कर रहे हैं, पूरी दुनिया यही कर रही है सर। आपने अगर कंसेप्चुअली आधा घंटा दिया है वहां पे कि आपने रेट ऑफ रिएक्शन समझा, आपने डिसअपियरेंस और अपियरेंस का वो टर्म समझा कि कितने गुना हो जाता है, तो आपको फिर वो टर्म यूज करना आना चाहिए। जैसे पहला काम मुझे दिया गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, बात समझिएगा। तो मेरा मानना क्या है कि लिखने का तरीका ये होता है, जैसे ही आपको ये रिएक्शन मिले आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशियंट है वो नीचे चला जाता है, तो मैं इसको 1/2 इंटू ए लिखूंगा। अगर ये आप झेल पाए तो करिएगा, वरना मत करिएगा। ठीक बात, 1/2 इंटू ए। इधर आओ, आप इसको 1/3 इंटू बी लिखिए, इसे आप 1/4 इंटू सी लिखिए, और इसे आप केवल डी लिखिए। क्लियर बात, यहां ए और बी बता रहे हैं कि ए और बी घट रहे हैं, यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड बी। वहां सी और डी ये बता रहे हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी। अब मुझे ये बताइए सर, क्या ये जो आपने लिखा है ये बेसिकली आपने रेट ऑफ रिएक्शन ही लिख दिया है? अरे बोलो भैया, आइए अब मुझे बताइए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी कितना दिया है, 0.006। तो मोल पर लीटर में दिया है, तो अगर मैं 0.006 यहां भरूंगा तो 3/4 करते ही आंसर क्या आ जाएगा, 0.002। बोलो बे, अगली कहानी। उसने मुझसे पूछा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बताओ, तो अगर मुझे ए बताना है तो क्या 2 इंटू होगा, यानी आंसर होगा
2.002 × 2 यानी 0.004। अगला मुझे बोला गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी बताओ, तो सी बताना है यानी 4 × R होगा, यानी कि 4 × 0.002 यानी 0.008। क्या ये बात समझ में आती है? बिना लिखे आप कर पाएंगे, लेकिन आप सुन तो लो, ये हर साल का है, अभी बहुत मजा आता है कि यस सर वी डू दैट वी कैन डू दैट, और वहां लास्ट में कहे कि ये बताओ ये साला 1/2 क्यों लिखा है। एक महीने बाद क्या आता है समझ में, मालूम है आदमी क्या कहेगा, ये बताओ यहां ए क्यों लिखा है जब ए ऊपर लिखा है, तो तब दिमाग से उतर जाता है सर, तब लगता है कि क्या ये कोई दूसरी इक्वेशन थी जिसके साथ ये कंपेयर करा रहा था। तो अब यहां पूरी बात नहीं लिखी जा सकती, ये बात दिमाग में होनी चाहिए कि हम ए को क्या मान रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, बी को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, सी का रेट ऑफ अपीयरेंस, डी का रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन, दोनों में से कुछ भी बोल दो। ये करोगे तो सवाल डायरेक्ट आ जाएगा। एक सवाल देते हैं, देखते हैं करते हो कि नहीं करते हो, इसी से करेंगे, इससे नहीं करेंगे सर, क्लियर है मामला, आइए। हाँ कह रहेंगे हम कर देंगे, तुम चिंता मत करना, बस इसे हटाएं, आओ आओ मैदान में, देखें तुम कितने बड़े खिलाड़ी हो। अगला है सर 2/3a + 1/2b gives 2/5c + 1/3d। ये एक केमिकल इक्वेशन आपको दी गई है, आपको दिया है ROF ऑफ सी यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, इसका वैल्यू आपको दिया है 4 × 10^-2 मोल लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये आपको दिया हुआ। आपसे बोला गया है फाइंड आउट 4 चीजें या 3 चीजें आपसे पूछी जाती हैं। पहला है रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तीसरा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। एक तरीका तो वो पुराना वाला है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म लिख लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे, उससे बार बार गुणा कर करके निकालते रहेंगे। मैं दूसरा वाला तरीका बोल रहा हूं जो अभी हम लोगों ने सीखा है। हम लोग क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट है उनके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को रिवर्स करके लिख लेते हैं उन्हीं के साथ, 1/10 सही है, 1/15, 1/30 बिल्कुल सही है सर। मतलब अगर समझ में आ गया है तो कर लोगे, बोलो सर। जिन्हें दिक्कत हो रही हो वो नॉर्मल तरीके से ही करे, बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखिए सर, कुछ लोगों ने इसको ऐसे किया होगा कि सर रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपने सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सी का फॉर्मेशन, तो सी के रिस्पेक्ट में जब हम लोग लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे सर, माइनस, क्या ये पलट जाएगा, तो वो सॉरी प्लस, क्योंकि फॉर्मेशन दिया है तो 5/2 हो जाएगा, पलट जाएगा सर, तो 1/ करके नहीं लिख रहे और लिखेंगे DC/dt। क्या प्लस DC/dt फॉर्मेशन को बता रहा है, यानी कि हमको जो आंसर मिलेगा 5/2 × 4 × 10^-2, तो यहां से 20/2 यानी 10 आएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन आएगा 0.1। क्या ये बात समझ में आती है सर, और बाकी यूनिट जो है वो कॉपी पेस्ट कर लो, मोल लीटर इनवर्स
सेकेंड इनवर्स. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ए का रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछा गया है. क्या हम सबको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम ए के टर्म में लिखेंगे तो क्या माइनस 3/2 लिखेंगे, रिवर्स हो जाएगा, dA अपॉन dt, यही तो होगा. हमसे पूछा है डिसअपियरेंस यानी कि माइनस dA अपॉन dt की वैल्यू बताओ, तो माइनस dA अपॉन dt किसके बराबर होगा, 2/3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन के. तो रेट ऑफ रिएक्शन 2/3 गुणे 0.1 है, 0.1 को 1/10 लिखोगे बोलो तो 2/30 यानी 1/15 आएगा. ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स जो नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं उन्होंने ऐसे ही किया होगा. तीसरा है सर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी. तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी निकालने का तरीका भी वही है. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी के टर्म में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को रिवर्स कर देंगे तो लिखेंगे 3 times TD अपॉन DT. तो आएगा सर 3 into TD अपॉन DT निकालना है. रेट ऑफ रिएक्शन अपने को पता है कितना निकाल के बैठे हो, 0.1. तो यहां से अगर आप DD अपॉन DT निकालते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए वो कितना आएगा, 1/30 आएगा. मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स. ये तो सिंपल तरीका है जिससे हम लोगों ने किया है. कुछ लोगों ने क्या कहा होगा कि नहीं गुरु हम डायरेक्ट वाला चक्कर अपनाएंगे. तो उनका डायरेक्ट वाला चक्कर ऐसा है, उन्होंने कहा सर जो भी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया है हम यहां लिखेंगे आर और यहां लिखेंगे 3/2 गुणे ए यानी कि ए का डिसअपियरेंस. इधर आते हैं यहां लिखेंगे 2 into b यानी b का डिसअपियरेंस. यहां लिखेंगे 5/2 into c यानी c का अपियरेंस. यहां लिखेंगे 3 into d यानी d का अपियरेंस. बोले हम सर ऐसे ही मतलब समझ लेते हैं, अब आप हमको जो दोगे हम उसी हिसाब से निकाल लेंगे. क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c. तो कहेंगे सर आपने हमको ये वैल्यू गिवेन है, तो अगर ये वैल्यू गिवेन है तो क्या यहां पे हम 4 लिखेंगे, तो जैसे ही लिखेंगे 4 into 10 की पावर -2 यहां से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 10 की पावर -1 यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या आया, 10 की पावर -1. क्या हो गया, यहां तक मामला समझ में आता है. अगली कहानी, अगर मैंने पूछा कि नहीं यार मेरे को रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बता दो, तो आप कहोगे सर अब तो रेट ऑफ रिएक्शन 0.1 आ ही गया है, आप हमसे रेट ऑफ अपियरेंस वो डिसअपियरेंस पूछ रहे हो यानी ए के बारे में, तो 2/3 into 0.1 बाकी सॉल्व करते रहो अपना. ऐसे ही सर अगर पूछा गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी बता दो, तो डी की वैल्यू पूछ रहा है तो लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय 3 यानी 0.1/3. डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं लेकिन करना आपको इसी माध्यम से है तो अपनी प्रैक्टिस में ले आएंगे तो बहुत बेटर है सर. और इसका मतलब मैं जानबूझ के यहां आर जरूर लिखना जिसका मतलब समझ में आए कि तुम ये रेट के लिए ये इक्वेशन यूज कर रहे हो. क्लियर है मामला. अगला सवाल नोट करो, चले हटाया जाए. बोलो यार कोई दिक्कत तो नहीं है. अच्छा ये भी नहीं कर पा रहे हो तो अभी हालत खराब हो जाएगी इस चैप्टर में आगे, ये सबसे सरल पार्ट चल रहा है. अच्छा एक बात मुझे सिर्फ इतना बता दो, अगर मैं तुम्हें मोल पर लीटर की जगह एटीएम में देने लगूंगा पर सेकंड तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हम प्रेशर के टर्म में भी डील कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है. इक्वेशन है 0.2a, अब जो मैंने तुम्हें बताया है ना वो यहां बड़ा काम आएगा, 0.2a प्लस 0.3b गिव्स 0.4c प्लस 0.5d. ये इक्वेशन अपने को दी गई और अपने को गिवेन है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दिया गया है 6 atm per second. पूछा गया है फाइंड आउट. पहला
क्वेश्चन है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी बताना है, दूसरा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी बताना है, तीसरा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी बताना है। ठीक बात, जानबूझकर यहां पहले रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा गया है, मत पूछने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने पढ़ा है, जो जुगाड़ बताया है, वो जुगाड़ नहीं है, वो कंसेप्ट ही है सर। 9 to 20 है, पहला आ रहा है 9, ठीक है, दूसरा आ रहा है 12, फिर 15, बिल्कुल सही है। रेट ऑफ रिएक्शन 30 आया होगा, यही आ रहा है। सवाल नोट कर लिया है सबने, देख लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना जुगाड़, पॉइंट वाइंट लिखा रहने दो। R बराबर आप क्या लिखोगे, 1/0.2 × A इज इक्वल टू 1/0.3 × B इज इक्वल टू 1/0.4 × C इज इक्वल टू 1/0.5 × D। सारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिवर्स कर दो, साइन वाइन कुछ मत लगाना, क्योंकि तुम इतने समझदार हो कि रिएक्टेंट के लिए डिसअपीयरेंस बोलते हैं और प्रोडक्ट के लिए अपीयरेंस या फॉर्मेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अब सर मुझसे सवाल कर रहा है, अब बात सुनिएगा, क्या मेरे को दिया है, ए की वैल्यू गिवेन है या नहीं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, नहीं निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अगर ए दिया है तो बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, बोलो भाई क्या लिखा जाए। इधर देखो 1/2 है ही, ए का वैल्यू कितना है 6, मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या 0.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा ऊपर, बोलो भैया। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आने वाला है, 3 बार जाएगा 0.9 आएगा। एक सेकंड रुको यार, ये एक्चुअली में 1/0.2 है, ठीक है। अब सर क्या यहां से अगर देखेंगे तो ये आएगा 0.18/0.2, यानी कितनी बार जाएगा 9 बार। तो यहां से आप डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, क्योंकि कंपैरिजन आपको दिख रहा है सर। अगली कहानी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी निकालना है। अब आप सब कुछ ए के टर्म में ही करिए, अगर सी का फॉर्मेशन निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, 1/0.2 × A के लिए लिखोगे 6, और C का फॉर्मेशन निकालना है यानी कितने से गुणा होगा 0.4 से, तो क्या ये 2 बार जाएगा यानी कि 12 आएगा। अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन D निकालना है तो फिर से A के टर्म में ही जो लिखा है वो लिखा रहने दो, 1/0.2 × 6 और मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो यहां से निकालोगे तो कितना आएगा 15। एक्चुअली में क्या हो रहा है सुनिएगा सर, इतना पोर्शन आप देख रहे हैं ग्रीन वाला, ये मैथमेटिकली आप रेट ऑफ रिएक्शन ही लिख रहे हैं। अरे बोलिए ना सर, तो ये आप हर जगह रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं और उसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो काम आप वही कर रहे हैं, बस मैथमेटिक्स में जो लास्ट स्टेप लिखा जाता है वो लिख रहे हैं, वरना अदरवाइज आप उसको जो चीज बोलते हैं वो बार बार लिखते हैं तो 4 स्टेप बढ़ जाता है। क्लियर है मामला, यानी किसी को भी किसी से भी कंपेयर किया जा सकता है, और यहां पे साफ और शुद्ध नजर आ रहा है कि ए बी सी और डी, जो दिया है वो रखेंगे, जो निकालना है वो कंपेयर करके निकालाएगा तुरंत। क्लियर है मामला, तो इतनी बात ध्यान रखनी। चलिए सर अभी घर थोड़ी जाना, 4 बजे तक की बात हुई है। कलाकारी करोगे तो 4:15 तक पढ़ा दे, कलाकारी हमसे मत करो। ए से इधर देखो, अभी तुम ही सबसे पहले जाके खड़े होगे
और ये नहीं बताओगे कि हम अगस्त में आए थे, हम फरवरी में आए थे, हमको कुछ आता नहीं था, हम चले गए थे गांव, फिर हम जून में आए वापस, कुछ अभी भी टहल रहे हैं कि आईआईटी की कोचिंग करनी है, मन में तो आ रहा है, कहते नहीं कर पाओगे, अब आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं पता है सर, आईयूपीएससी का जो लेक्चर है ना, वो हमने दो लेक्चर लिख लिया है, मन में तो आ रहा है कि मत लिखो, अब कुछ होना नहीं है उससे तुम्हारा, हर चीज का एक समय होता है, तो तुम ही जाके खड़े हो जाओगे, अरे हमारा अभी कोर्स है नहीं हो पाया, कोर्स हो जाता तो हम कंफर्म हो जाते कि हमको कुछ नहीं आता है, बताइए ये कोई तरीका है, 50% कोर्स के हमें पूरा 50% आता है, हमारा 150 नंबर केमिस्ट्री में आ जाएगा, ऐसे ही 100 में 50 हम फिजिक्स में ले आएंगे, 100 में 50 मैथमेटिक्स में, 150 नंबर लाके हमको सेलेक्ट कराना चाह रहे हो, ये कोचिंग कर क्या रही है हमारे लिए भैया, हमारा कोर्स करिए पूरा 90% कर दीजिए, हम कन्फर्म हो जाए हमें तीनों में कुछ नहीं आता है, फिर हम जनवरी का अटेम्प्ट देके फेल होके खुशी खुशी आएंगे और फिर सर दम से तैयारी करेंगे, और आप तैयार रहिएगा क्योंकि हम फिर शुरू से सब कुछ पढ़ेंगे, और इस बार आपके ऊपर टास्क होगा कि आपको अप्रैल में पेपर है, यानी 2 ही महीने में पढ़ाना है, क्योंकि जनवरी का पेपर जब हम दे लेंगे तो हम तब तक सांप की तरीके अजगर की तरीके घर में पड़े रहेंगे जब तक कि आईआईटी वाला रिजल्ट दे के हमको नाकाम घोषित ना कर दे, मैं बता रहा हूं ना, अजगर की तरीके घर, पेपर खराब हो गया साले तुम्हें पता है तो पढ़ अगले के लिए, नहीं रिजल्ट आएगा जब मार्केट में छप जाए कि ये लड़का फेल हो गया है, तब वो लड़का कहेगा कि अच्छा हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, अब हम पढ़ेंगे, अब हम मोटिवेशनल स्पीच देकर है, अरे वो काम शुरुआत से कर लो, एक आदमी नहीं करता सर, तैयारी का तरीका होता है, जैसे ही ट्वेल्थ का एग्जाम दिए, ट्वेल्थ का एग्जाम देते ही बिना रिजल्ट की चिंता किए तुरंत तैयारी के लिए निकल पड़ो, पढ़े हैं घर में, ट्रैक्टर घर में खड़ा है पेड़ के नीचे, तो छाया मिल रही, लेटे हैं ट्रैक्टर में, नीम का पेड़ देख रहे हैं, कौवे कितने बैठे हैं, दो, अच्छा क्यों कह रहे हैं कि ऐसे ही लेटे हैं, बोले तैयारी, कोई गांव वाला पूछ रहा भैया आईआईटी की तैयारी, चले जाएंगे भैया, क्या जल्दी मची है, और यहां आके फिर जब वापस जा रहे हैं तो बताइए क्या बोल रहे हैं, अरे वहां तैयारी करने जाओ ना, वहां कुछ भविष्य नहीं बना पाते हैं वो लोग, हम टास्क दिए भविष्य बनाने का, हमारा गोबर था बिल्कुल, लेकिन वो उसको पता नहीं, तो गोबर की कहानी जान ही रहे हो फिर, बस तुम्हारा एक ही काम हो सकता है कि तुमको ऐसे दीवार में थाप दिया जाए, और यहां तुम ऐसे चपके रहोगे, फिर पढ़ते रहो कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सर बहुत सीधा बंडा है तुम्हारे लिए, तो पेपर में बस इतना ही आ जाए कि एक लेडी है उसने एक गोबर को थापा और 500 ग्राम का था, और उसको ले जाके एक प्लेन सरफेस पे लगा दिया जो इंक्लाइंड है 98 डिग्री पर, 90 नहीं लिखे 98 डिग्री पर, बताइए उस पर लगने वाला नॉर्मल कितना होगा, ये उस साल का तुम्हारा सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनिशियली इधर आ जाओ, हाँ आओ, 0.3 मोल ऑफ ए वेयर हीटेड इन अ, अब आपको सवाल करना है हीटेड इन अ 5 लीटर वेजल एंड इन 10 मिनट एंड इन 10 मिनट 0.18 मोल ऑफ A changes into B. Find out. पहला सवाल rate of reaction, यही पूछा ही है, पहला क्या है, find out rate of reaction मतलब और यूनिट हम लिख दे रहे हैं मोल
पर लीटर, पर लीटर सेकंड डैश सेकंड, आंसर बोलो सर। एट, थ्री इंटू टेन की पावर, गलत है। गलत है, सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस फाइव। किसी कीमत पे नहीं आएगा ये, किसी कीमत पे, गलत करके भी नहीं आता है ये आंसर। आओ बताओ, लगाओगे सर? बोलो, बिना निकाले तुम हमको फर्जी बताए दे रहे हो। हम सुबह शाम हजार लड़का इसे ही बेवकूफ बना रहे हैं। लिखो तो मेरे भाई, उसको थके हुए हो तुम। ये प्रेम पत्र में ना लिखो, वहीं कॉपी में लिखो। हाँ, परिचय में लिख रहे हैं। अब सुनो, एक सवाल बस हमने इस सवाल में कठिन मालूम है क्या है? ये सवाल थ्योरेटिकली लिख दिया गया है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। निकला? अरे तुम लोग बेवकूफ हो यार। कितने लोगों ने 6 इंटू टेन की पावर माइनस फाइव निकाला है आंसर? एक, दो, तीन, चार, पांच। कोशिश करो, निकालो। कोशिश करने वालों की हमेशा हार होती है। करो करो करो, हारो। कलाकारी हमसे करो मत। वो आंसर उसी में आ रहा है कि नहीं, ये खुद देखो। मैथ के लिए हम नहीं आए यहां पे, है ना? हाँ, फर्जी बातें हमसे करना नहीं। कि हम कह रहे हैं कि आंसर 0.2 आ रहा है, तो तुम क्या करो सर? इसको क्या 1/5 बोल सकते हैं क्या? ये सब में सर मार देते हैं, जान ले लेंगे सर। डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो कैलकुलेट करके हमको बताओ, क्योंकि अब हम तो बता ही दिए कि हमको किस में चाहिए, नंबर इंटू टेन की पावर माइनस में चाहिए। बताओ, यही तुम्हारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसी तरीके आता है। अच्छा, एक बात सुनना, इधर देखो, क्या ये सवाल में ए से बी बन रहा है? बोलिए सर। अब ये बताइए कि हमको टाइम टी बराबर जीरो पर चाहिए कंसंट्रेशन। क्या चाहिए? कंसंट्रेशन। यहां हमको कितने मोल दिए? 0.3 मोल। सुनते जाना, जो ये कह रहे हैं हम इनकी बात सुन ले। तो ये कह रहे हैं 0.3 मोल था, हमने कहा अच्छा, तो बोले बी, बोले वो जीरो रहा होगा किसी टाइम टी पर, तो वो जो टाइम है वो कितना है? 10 मिनट। तो बोले 10 मिनट में, बोले 10 मिनट में ए इतने मोल चेंज हो जाता है। चेंज होता जाता है मतलब टूट जाता होगा। तो इसका मतलब दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, तो इसका मतलब इससे इतने मोल गए तो इसमें इतने मोल आए, यही तो मतलब है। लेकिन ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं ले लेनी है, क्योंकि ये तो मोल लिखा है और अपने को चाहिए कंसंट्रेशन, यानी हमको इसमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से, क्योंकि वॉल्यूम कितना दिया है? 5 लीटर। तो सब में कितने से डिवाइड होगा? 5 से। पहली बात तो ये बोलो सर, जब हम 5 से डिवाइड करेंगे हम तभी तो इसको लिख पाएंगे मोल पर लीटर, क्योंकि यही तो कहानी है। अब सर R बराबर, ये क्लास जहां से शुरू हुई है ये क्लास वहीं पर खत्म होगी।
यही काबिलियत है हमारी। और तुम देखना कि तुमने जितने लोगों, 5 लोगों ने लगाया है, वो वहां तक पहुंचे हैं या नहीं। आर बराबर माइनस टी ए अपॉन डी टी, यानी कि ए का कंसंट्रेशन, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, या मैं बोलूं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। लेकिन आर बराबर क्या डीबी अपॉन डीटी भी तो है? अरे बोलो ना यार। और अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में पता हो तो अपना सवाल प्रोडक्ट की तरफ से करना, ये पढ़ाया था, इसी पे बातचीत चल रही थी। क्योंकि प्रोडक्ट शुरू में जीरो होता है तो उसका जो वैल्यू होगा वही डिफरेंस होगा। तो यहां से अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हम कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सर चेंज इन कंसंट्रेशन में कोई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, जो नंबर लिखा है यही चेंज है, यानी 0.18 डिवाइडेड बाय 5 होगा मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टाइम। टाइम का अंतर कितना है? 10 मिनट, तो यहां लिखा 10। अब हमारा आंसर आएगा मिनट में, हमको कन्वर्ट करना है किस में? सेकंड में। इसका मतलब 10 मिनट को सेकंड में लिखेंगे तो 60। ये सॉल्व करना है। और ये सवाल इधर से भी हो सकता है, इधर से घटाएंगे तो मैथमेटिक्स लगेगी, इधर से बिना मैथमेटिक्स के आंसर आएगा। और कंसेप्ट ये कहता है कि दोनों तरफ से बराबर आना चाहिए, इसीलिए तो थ्योरी पढ़ रहे थे, वरना डायरेक्ट इक्वेशन नहीं याद कराने लगते तुमको। तो इसका मतलब यहां से सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा 6×10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब आप डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी सवाल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक सवाल बस इसमें क्या फंसेगा, वो मैं कल वाली क्लास में करा भी दूंगा शुरुआत में। अगर आपको जो भी फॉर्मेशन या जो भी डिसअपीयरेंस दिया है वो अगर केजी में दिया हुआ है या ग्राम में दिया हुआ है, तो मैंने बताया है कि आप मोल को कोरिलेट कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले उसको मोल में बदलेंगे। निकाल लीजिए सर।